आज दो लाइन में कराऊंगा, इसमें विशेष रूप से जो जानने वाली बात है कि इसमें कुछ विशेष विशेष शब्द होते हैं उस पर हम बात करेंगे। चलिए, लिखा हुआ है हिमाचल्स बैटल विथ, हिमाचल्स बैटल विथ फुर्री ऑफ नेचर, फुर्री या फरी जो भी आप कहें, फरी ऑफ नेचर इज ऑल्सो ए मैन मेड डिजास्टर सेज एक्सपर्ट। इस छोटे से वाक्य के अनुवाद के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे। तीन लोगों को मैं मौका दूंगा, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो कठिन शब्द जब भी होंगे, कोई बताएगा आप में से? फ्यूरी मतलब सर प्रकृति का गुस्सा। ले आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, करता तो नेचर, प्रकृति, प्रकृति क्या कर रही है। मान लीजिए फरी का हमको हिंदी नहीं पता है, हो सकता है हमें से 87 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को इसका हिंदी पता है, पर हमें अनुवाद देना है तो वहां हम एक भाव लेंगे। क्या होता है प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति का क्रोध, प्रकोप भी ले लेते हैं और क्रोध भी ले सकते हैं। मुझे क्रोध आया तो मैं ये, ठीक है, ये स्पेलिंग शायद मैंने गलत किया है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति का क्रोध या प्रकोप क्या कर रहा है, हिमाचल बैटल विथ, अब यहाँ हिमाचल भी लिखा हुआ है, दो दो करता हो जा रहे हैं, तो हिमाचल का, यहाँ हम शुरू करेंगे, हिमाचल का प्रकृति, हिमाचल का प्रकृति के प्रकोप या क्रोध से युद्ध, मारामारी, साधारण भाषा में मारामारी कर सकते हैं, युद्ध यहां तक हो गया। इज ऑल्सो ए मैन मेड डिजास्टर सेज एक्सपर्ट, अब यहां देखिए हिमाचल भी कर्ता रूप में हो गया, सेज एक्सपर्ट भी कर्ता हो गया और ऑफ नेचर ये भी कर्ता हो गया, 3 कर्ता हमको मिले। तो अगर इस वाक्य का हमें पूर्ण अनुवाद करना हो तो हम यह कहेंगे, जैसे मुख्य मेन अगर सब्जेक्ट मानेंगे तो हम इसको मान लेंगे, तो सेज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ बोलते हैं, एस लगा हुआ है तो इसका बहुवचन, विशेषज्ञों का कहना है या फिर विशेषज्ञों के अनुसार, यहां से हम शुरुआत करेंगे, विशेषज्ञों के अनुसार। आगे मैंने बताया प्रकृति से, प्रकृति से हिमाचल, प्रकृति के प्रकोप है ना, प्रकृति के प्रकोप से हिमाचल का, हिमाचल का युद्ध, या फिर अगर आपको युद्ध नहीं आया तो आप हिमाचल की जंग लिख सकते हैं, ठीक है। हिमाचल की जंग क्या है, ए मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित आपदा, इज ऑल्सो, निर्मित आपदा भी है, क्या आपदा, इज ऑल्सो है तो इसका ही प्रयोग करेंगे, आपदा भी है, ठीक है। आप इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, ये पहला वाक्य, होल्ड ऑन, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये तीसरा वाक्य, बोलिए सर। ये मेन मेड को कृत्रिम लिख सकते हैं क्या? नहीं, कृत्रिम आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड मतलब आदमी ने बनाया, हमने आपने मिल करके बनाया, कृत्रिम भी तो कैसे बनाते ना सर, कृत्रिम नहीं, 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 कृत्रिम का आर्टिफिशियल होगा, अगर हम कृत्रिम की बात करेंगे तो वह आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। एक और छोटा सा ले लें, अगर लास्ट, आज की चर्चा यही समाप्त करेंगे, या ये वाला लेंगे हम, द चंद्रयान थ्री मिशन प्लान्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोवर ओवर द लूनार सरफेस। इसमें देखिए, कभी भी आपके पास अनुवाद आता है, आप पढ़ते हैं तो कठिन शब्द को पहले देखें, आप मिशन को अभियान कहा जाता है, मैं आप लोगों को इसके अर्थ बता देता हूं, आप अपने हिसाब से इसको सजाएं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेट का प्रदर्शन, एंड टू एंड का क्या होगा, एंड टू एंड के लिए ये होगा, संपूर्ण लिख देंगे इसको, शुरू से अंत तक लिख सकते हैं, सही शब्द संपूर्ण है। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, सेफ लैंडिंग,
लैंडिंग का मतलब होता है यहां उतरना से होगा, सेफ का सुरक्षित और उतरना लिखिएगा इसका, ठीक है, या पहुंचना भी लिख सकते हैं, पहुंचना ये आप ले सकते हैं। इसके बाद रोविंग, एंड रोविंग का मतलब हो गया, रोविंग का मतलब होता है भ्रमण, रोबोट है ना इसलिए वो रोव करेगा मतलब घूमेगा, अगर आप होते तो आप उसमें अटकेलिया करते या जो करते। लूनार, लूनार होता है ये चंद्रमा है क्या, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा होता है किसी के आगे पीछे से गोल गोल घूमना, जैसे शिव जी का प्रदक्षिणा करते हैं, वो भ्रमण करेगा, उसको कोई विशेष चीज नहीं दी गई है शिवलिंग का प्रदक्षिणा करे या मंदिर की, ठीक है। और उसके बाद सरफेस का मतलब होता है सतह, आप लोगों को मैंने हिंदी शब्द दे दिया, ऑलमोस्ट शब्द दे दिया, चंद्रयान को हिंदी में लिख सकते हैं चंद्रयान, ऑन का मतलब पर होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अनुवाद करके आप लोग कल ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। लास्ट दो मिनट आपको समय देता हूं, आप में से कोई अगर किसी प्रकार का प्रश्न करना चाहे तो दो मिनट में कर ले, उसके बाद हम सत्र समाप्त करेंगे।